दोस्तों आज एक कच्चे आलू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे देखते ही खाने का मन करेगा। इसे आप 8 से 10 दिनों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। जब आपको खाने का मन करे फ्राई करके इसे एंजॉय कर सकते हैं और मेहमान आने पर भी इसे सर्व कर सकते हैं। बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है केचप के साथ। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों इस नाश्ते को बनाने के लिए मैं ले रही हूँ एक कच्चा आलू, इसको मैंने छील लिया है और इसे हम ग्रेट करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक बोल में पानी ले लिया है और एक ग्रेटर की मदद से इसे ग्रेट करेंगे। ग्रेट करते समय पानी अगर नीचे रहेगा तो लच्छे हमारे काले नहीं पड़ेंगे। छोटा वाला होल से नहीं, हमें बड़े वाले होल से ग्रेट करना है। तो देखिए इस तरह से हम ग्रेट कर लेंगे जिसके हमें लच्छे मोटे मोटे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए लच्छे बहुत ही अच्छे से बन रहे हैं, ये देखिए आलू के लच्छे। तो इसी तरह से हम पूरे आलू को ग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने पूरे आलू को ग्रेट कर लिया है और ये देखिए बहुत ही अच्छे इसके लच्छे निकले हैं। तो इसे हमें अच्छे से वॉश करना है 3-4 बार पानी को बदल के, ताकि इसमें जितना भी स्टार्च है वो निकल जाए। तो मैंने अच्छे से 3-4 बार धो लिया है। तो अभी इसे हम साइड में रख देंगे और गैस पे रखेंगे एक पैन, उसमें 1 चम्मच तेल डाल के गर्म करेंगे। तेल गर्म होने पर डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच राई यानी कि सरसों के दाने और 1/2 छोटी चम्मच डाल देंगे जीरा। साथ ही में डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स। आप चाहे तो यहाँ पे हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मिर्च अपने हिसाब से आप डालें। और अब हम डालेंगे यहाँ पे इस मेजरिंग कप से 2 कप पानी। पूरा हम 2 कप भर के पानी डाल देंगे और इसे थोड़ा सा उबलने देंगे। जैसे इसमें थोड़ा थोड़ा उबाल आ जाएगा, इसमें हम सारे ही ग्रेट किए हुए आलू को डाल देंगे और इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक और इस आलू को 50% कुक होने तक पका लेंगे। इसे बहुत ज्यादा गलाना नहीं है, यानी कि हमें आधा ही पकाना है। जब तक आलू पक रहा है तब तक हम इसकी और एक तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे लेंगे हम एक थाली। इस थाली की जगह आप यहाँ पे ट्रे भी ले सकते हैं या घर की कोई भी बर्तन आप ले सकते हैं। तो इसमें डालेंगे 2-3 बूंद तेल और इसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और इसे ग्रीस करके हम साइड में भी रख देंगे। आलू को देख लेते हैं, आलू 50% पक चुका है। अब हम डालेंगे यहाँ पे सूजी। तो हम सूजी लेंगे 1 कप। तो 2 कप हमने यहाँ पानी डाला था, तो यहाँ पर हम लेंगे 1 कप सूजी। आप घर की कोई भी कटोरी या कप को सेट कर लें, उसी से सारा मेजरमेंट करें। सूजी को डालते समय हम फ्लेम को लो कर लेंगे, उसके बाद हम सूजी को डालेंगे। एक हाथ से हम सूजी को डालेंगे और एक हाथ से हम मिक्स करेंगे, क्योंकि हमें तुरंत ही मिक्स करना है, नहीं तो इसमें गुठलियां पड़ सकती है। तो लगातार आप चलाते जाएं और इसे मिक्स करते जाएं। यहाँ पे सारी सूजी अच्छे से मिक्स हो चुकी है और धीरे धीरे ये सूजी ड्राई हो रही है। अब हम इसे 2-3 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे, जिसे अच्छी तरह से कुक हो जाएगा। तो 2-3 मिनट हो चुका है और सूजी अच्छे से पक चुका है। कवर हटा लेंगे और देखिए अच्छे से सूजी पक चुका है। और अब हम ग्रीस किए हुए थाली में इसे डाल देंगे। इस स्पैचुला से इसे हम इस तरह से फैला देंगे। आप चाहे तो कोई कटोरी में थोड़ा सा तेल लगा लीजिए और इसे फैला लीजिए और इसे हम 15-20 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो ये बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही अच्छे से ठंडा हो चुका है और बहुत अच्छे से ये सेट हो चुका है। तो इसे हम एक चाकू की मदद से इस तरह से चौकोर शेप में कट कर लेंगे। आप चाहे तो इसे डायमंड शेप में भी कट कर सकते हैं या गोल शेप में भी इसे कट कर सकते हैं। तो मैंने इसे काट लिया है, ये देखिए मैं आपको उठा के दिखाती हूँ। तो एक बार और हम कट कर लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए हमारा ये नाश्ता तैयार हो गया है फ्राई होने के लिए। तो देखिए मैंने सारे नाश्ते को निकाल लिया है और अब हम चलते हैं इसे फ्राई करेंगे। तेल हमने गरम होने के लिए रख दिया था पहले ही और मीडियम फ्लेम में गरम हो चुका है और तेल अच्छे से गरम है। और एक एक करके हम जितना आ जाएगा पैन में उतना हम नाश्ता इसमें डाल देंगे। नाश्ता डालने के बाद थोड़ा सा ये चिपक सकता है, पर जैसे जैसे ये फ्राई होगा ये अलग हो जाएगा। और जैसे एक तरफ से पक जाएगा इसे पलट के हम अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। तो उलट पलट करके हमने क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लिया है और इसमें बहुत ही अच्छे से कलर आ गया है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। तो ये देखिए मैंने पहला बैच फ्राई कर लिया है, इसी तरह से हम दूसरा बैच भी फ्राई करेंगे। तो लीजिए दोस्तों हमारा बहुत ही टेस्टी सूजी का ऊपर से कुरकुरा और अंदर से सॉफ्ट हमारा नाश्ता बन के तैयार है। ये खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है, बच्चों को भी ये बहुत पसंद आता है। देखिए दोस्तों ये मैं आपको पास से दिखा रही हूँ कितना ज्यादा क्रिस्पी बना है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है। और मैंने यहाँ पे फिंगर शेप में भी बनाया है नाश्ते को।
तो ये देखिए बहुत ही अच्छा बना है हमारा फिंगर शेप, तो आप इस तरह से भी बना के इंजॉय कर सकते हैं और ये खाने में बहुत ज्यादा क्रिस्पी बना है, बच्चों को ये बहुत पसंद आएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, बाय बाय।